तुम मुझसे बात करने में ओके हो? संजय मांजरेकर ने लड़ाई के बाद की रविंद्र जडेजा से बात। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, आगे बढ़ेंगे वीडियो में और जानेंगे सब कुछ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने अपनी बैटिंग से काफी प्रभावित किया। रविंद्र जडेजा ने नंबर 4 पर बैटिंग करने आए और आउट होने से पहले 29 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रन बनाए। रविंद्र जडेजा की इस पारी के दम पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी। भारत को मिली इस जीत के बाद संजय मांजरेकर और रविंद्र जडेजा का आमना सामना हुआ। जडेजा और मांजरेकर के बीच रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। संजय मांजरेकर द्वारा की जाने वाली आलोचना से दुखी होकर एक वक्त जडेजा ने खुद ट्वीट कर मांजरेकर पर निशाना साधा था। जडेजा ने ट्वीट कर लिखा था, मैंने आपसे 2 गुने मैच खेले हैं और मैं अभी भी खेल रहा हूं। जिन्होंने कुछ हासिल किया है उनका सम्मान करना सीखो। मैंने आपके मुंह के बवासीर से काफी कुछ सुना है। वहीं संजय मांजरेकर ने जडेजा की आलोचना करते हुए उन्हें बिट्स एंड पीस क्रिकेटर कहा था, मतलब ऐसा क्रिकेटर जो टुकड़ों में प्रदर्शन करता हो, ना पूरा बल्लेबाज और ना ही गेंदबाज। अब पाकिस्तान को मिली जीत के बाद संजय मांजरेकर ने जडेजा के साथ बातचीत की है। मांजरेकर ने जडेजा से बातचीत शुरू करने से पहले उनसे पूछा, तुम मुझसे बात करने में पूरी तरह से सहज हो? जिस पर जडेजा कहते हैं, हाँ सर बिल्कुल। जिसके बाद संजय मांजरेकर रविंद्र जडेजा से उनके और टीम के प्रदर्शन के बारे में सवाल करते हैं, जिस पर जडेजा बड़े ही संयम से जवाब देते हैं। तो दोस्तों आप भी इस संबंध में अपनी राय कमेंट जरूर करें। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।